हाय फ्रेंड, इट्स विकास सुमन और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ टॉप 5 इकोनॉमिकल एकॉस्टिक गिटार। तो इस सीरीज में मैं आप लोग को 5 गिटार बताऊंगा जिसका बजट आपको 5 to 8,000 देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉप 5 इकोनॉमिकल एकॉस्टिक गिटार के बारे में। तो इस ईयर मैंने टॉप 5 गिटार 5 to 8,000 के रेंज में रखा है क्योंकि मुझे 5,000 से नीचे पर्सनली कोई भी गिटार पसंद नहीं आया। तो इस बार मैंने सोचा कि टॉप 5 इकोनॉमिकल एकॉस्टिक गिटार का वीडियो बनाया जाए। अंडर 5,000 का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे 5,000 से नीचे कोई गिटार पसंद नहीं आया, तो मैं आप लोग को वैसे गिटार रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक सारे गिटार को रैंक करूँगा। आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से कौन सा गिटार बेटर होगा वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। और अगर आपको इन 5 में से किसी भी गिटार को परचेज करना की इच्छा हो या फिर आप किसी भी गिटार को परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे गिटार का परचेज लिंक और एक्सेसरीज वगैरह का परचेज लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सारे गिटार को रैंक करने जा रहा हूं। तो इस सीरीज में मैंने नंबर 5 पे रखा है वॉल्ट के EA20 एकॉस्टिक गिटार को। इसमें आपको सेप कटवे देखने को मिलेगा, इसका साइज आपको कॉन्सर्ट साइज देखने को मिलेगा, मेन सेमी जंबो देखने को मिलेगा, फ्रेटबोर्ड इसमें आपको टेकवुड देखने को मिलेगा और इसका टॉप आपको स्प्रूस देखने को मिलेगा। इसका बजट आपको करीब करीब 4,500 देखने को मिलेगा। अगर इस सीरीज में आपका बजट सबसे कम हो और आपको चाहिए कि आप एक अच्छा गिटार परचेज करें जिससे आप अच्छे से गिटार का प्रैक्टिस कर पाए, आप बिगनिंग लेवल पे हैं तो जिसका टोन क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो, तो आप इस गिटार के साथ मूव कर सकते हैं। यानी इस सीरीज में सबसे कम बजट वाला गिटार यही है। तो ये था हमारा नंबर 5 गिटार। नंबर 5 गिटार को देखने के बाद हम लोग मूव करेंगे अब नंबर 4 के तरफ। तो इस सीरीज में नंबर 4 पे मैंने रखा है कैडेंस के फ्रंटियर सीरीज एकॉस्टिक गिटार को। इसका शेप आपको कटवे देखने को मिलेगा, साइज आपको सेमी जंबो देखने को मिलेगा, फ्रेटबोर्ड आपको रोजबोर्ड देखने को मिलेगा और टॉप आपको स्प्रूस देखने को मिलेगा। अगर इस सीरीज में आपका बजट 5,000 के अप्रॉक्स अलाउ करता है तो आप इस गिटार के साथ मूव कर सकते हैं। और 5,000 तक आपका बजट है तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इस सीरीज में दूसरा सबसे कम बजट वाला गिटार यही है। तो अगर आपका बजट 5,000 के करीब है तो आप इस गिटार के साथ मूव कीजिए। और इसके बाद मैं मूव करूंगा नंबर 3 के तरफ। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है आइबनेज के MD39C एकॉस्टिक गिटार को। इसका शेप आपको कटवे देखने को मिलेगा, इसका साइज आपको कॉन्सर्ट साइज यानी कि सेमी जंबो देखने को मिलेगा, फ्रेटबोर्ड आपको अगेन रोजबोर्ड देखने को मिलेगा और टॉप आपको स्प्रूस देखने को मिलेगा। इसका बजट आपको करीब करीब 8,000 देखने को मिलेगा। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बजट इसी गिटार का है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर होता है, कस्टम ड्यूटी लगने के कारण इसका प्राइस थोड़ा हाई है। और अगर आपको पर्सनली आइबनेज का गिटार ही लेना है तो आप इस गिटार के साथ मूव कर सकते हैं। और इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है, सस्टेन टाइम भी इसका अच्छा है। और इस गिटार का पर्सनल रिव्यू वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो ये था हमारा नंबर 3 गिटार। तो नंबर 3 को देखने के बाद अब हम लोग मूव करेंगे नंबर 2 और नंबर 1 की तरफ। मैं आप लोग को पहले बता दूँ कि नंबर 2 और नंबर 1 बहुत ही अच्छा गिटार है, दोनों में से आप किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं अपने प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से। यानी कि नंबर 2 और नंबर 1 एकदम एक जैसा गिटार है, सिर्फ उसमें कुछ शेप के डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे और थोड़ा बहुत डिफरेंस साउंड में देखने को मिलेगा, बट दोनों ही गिटार बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे मैंने रखा है यामाहा के FS80C एकॉस्टिक गिटार को। इसका शेप आपको कटवे देखने को मिलेगा, साइज आपको सेमी जंबो यानी कि कॉन्सर्ट साइज देखने को मिलेगा, फ्रेटबोर्ड आपको रोजबोर्ड देखने को मिलेगा और टॉप अगेन स्प्रूस देखने को मिलेगा। इसका बजट आपको करीब करीब 7,500 देखने को मिलेगा। और चूंकि ये मेड इन इंडिया गिटार है इसके कारण आपको इसका बजट कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यामाहा पहले आउट ऑफ इंडिया ही सारा अपना मैन्युफैक्चर करती थी, बट जब से उनका प्लांट इंडिया में लग चुका है तो हमें यामाहा की तरफ से भी अच्छे अच्छे गिटार कम कॉस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कटवे शेप गिटार जिसके थ्रू आप फ्रेटबोर्ड को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ
और आपको चाहिए यामाहा का टोन क्वालिटी, देन आप इस गिटार के साथ मूव करें। और ये था हमारा नंबर टू गिटार। मैं लास्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको नंबर टू के साथ जाना चाहिए कि नंबर वन के साथ जाना चाहिए। तो ये था हमारा नंबर टू गिटार, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नंबर वन की तरफ। तो नंबर वन पे मैंने रखा है यामाहा के F280 एकॉस्टिक गिटार को। इसमें आपको सेफ कटवे देखने को मिलेगा, साइड जंबो देखने को मिलेगा, फ्रेटबोर्ड रोजबोर्ड देखने को मिलेगा और टॉप अगेन स्प्रूस देखने को मिलेगा। इसका बजट आपको करीब करीब 7000 देखने को मिलेगा और 7000 में ये एक माइंड ब्लोइंग गिटार है, क्योंकि यामाहा का ये गिटार आपको टोन क्वालिटी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करेगा और ड्रेडनॉट सेफ होने के कारण नोट्स का सस्टेन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि अगर आपका बजट अलाउ करता है 7000 तक, तो आप डेफिनेटली इस गिटार के साथ मूव करें। अब मैं थोड़ा कंपेयर कर दूं कि आपको नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक किस तरह से परचेज करना है और आपको किस तरह से अपने गिटार को प्रीफर करना है। तो अगर इस सीरीज में आपका बजट सबसे कम हो तो आप नंबर 4 या नंबर 5 के साथ अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मूव कर सकते हैं। नंबर 4 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है 5000 के बजट में। अब मैं आता हूँ नंबर 3 की तरफ। अगर आपको नंबर 3 परचेज करना है, मींस आपको चाहिए एक आउट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर गिटार और आपको चाहिए आइबनेस का ब्रांड वैल्यू, तो आप नंबर 3 के साथ मूव कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको मूव करना चाहिए नंबर 1 या नंबर 2 के साथ। नंबर 1 आप मूव कर सकते हैं अगर आप ड्रेडनॉट सेप के लवर हैं और आपको सस्टेन टाइम और टोन क्वालिटी बहुत अच्छा चाहिए। नंबर 2 के साथ आप मूव कर सकते हैं अगर आपको चाहिए अच्छा टोन क्वालिटी और कटवे सेप वाला गिटार, जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से गिटार को चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नंबर 1 और नंबर 2 लगभग सेम टोन क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। नंबर 1 का सस्टेन थोड़ा ज़्यादा होगा और नंबर 2 अब मैं आपको कटवे सेप देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन। अब मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि सारे गिटार वगैरह का परचेज लिंक और एक्सेसरीज वगैरह का परचेज लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अब एट लास्ट मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियो। थैंक यू।